वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्टीजमेंट्स के बारे में। आप सभी को पता है आपके फर्स्ट टर्म में टोटली एमसीक्यू बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। अब ऐसे में एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं वो देखेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले मैंने आपके लिए नोटिस की वीडियो बना दी है कि एमसीक्यू किस तरीके से आ सकते हैं, तो उसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप चैनल पर जाके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम फॉर्मेट भी देखेंगे एडवर्टीजमेंट का क्या होता है, कुछ आपको गाइडलाइंस भी बता दूंगा एडवर्टीजमेंट की, और ये आपके फर्स्ट टर्म के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है। इंस्टाग्राम पे आप सभी मुझे फॉलो जरूर करें ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप आके मुझ तक बता सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। यूजर नेम आपकी स्क्रीन के सामने है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके सामने लिखा हुआ है क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप। इस चीज को आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च मारना है और आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो पाएंगे। वहां पे आपको पीडीएफ और लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे और वहां पे 12,000 से प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। वेबसाइट साइट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको अवेलेबल हैं वेबसाइट पे। आप वहां पे जरूर जाएं उसको देखने। और आपको बताना चाहूंगा कि मैंने क्लास 12 के लिए जो इंग्लिश है, जो आपका पूरा कोर्स है, मैंने कंप्लीट करवा रखा है, चाहे फर्स्ट टर्म का हो चाहे सेकंड टर्म का हो। ठीक है, एकदम लेटेस्ट वीडियोस हैं सारी और बेस्ट नोट्स आपको दिए हैं। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपके चैप्टर्स के एमसीक्यूज भी करवा रखे हैं, जो इन वीडियो को जाके आप जरूर देखें। ठीक है, अब अगर हम बात करें एडवर्टीजमेंट की फुल वीडियो पे, तो वो भी मैंने बना रखी है आपके लिए। लगभग 12 मिनट की वीडियो है जिसमें पूरी एक एक चीज समझाई है मैंने, बेस्ट टिप्स दी है एडवर्टीजमेंट लिखने की। अगर किसी भी तरीके से लिखने को भी आ जाती है तो आप पेपर में वो भी लिख पाओगे। ठीक है, अब आज का हमारा पहला प्रश्न जो है, यानी कि हम कह सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एन एडवर्टीजमेंट इज अ डैश। अब क्या आएगा इसमें, पर्सनल अनाउंसमेंट या पब्लिक अनाउंसमेंट, प्राइवेट अनाउंसमेंट या फिर इनविटेशन। तो एडवर्टीजमेंट जो है पब्लिक अनाउंसमेंट होती है। ठीक है, जहां पे वो एडवर्टीजमेंट ऐसी जगह लगाई जाती है जहां लोगों को, मतलब लोगों के दिमाग में और लोगों की आंखों में वो बस जाए। ठीक है, कि इस तरीके से लोकेशन होती है उसकी और वो पब्लिक अनाउंसमेंट होती है एक तरीके से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मोटिव ऑफ एन एडवर्टीजमेंट। ठीक है, क्या उद्देश्य होता है, टू इन्फ्लुएंस मासेस या टू प्रमोट द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट या बोथ ए एंड बी या नन। तो अगर हम बात करें कोई अपने एडवर्टीजमेंट क्यों करता है, एक तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस करने के लिए और अपनी चीजों को जो है मतलब प्रमोट करने के लिए। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एडवर्टीजमेंट इज अ डैश ऑफ वर्ड्स। ठीक है, एडवर्टीजमेंट क्या है, प्ले ऑफ वर्ड्स या डांस ऑफ वर्ड्स या फन ऑफ वर्ड्स या नन। तो एडवर्टीजमेंट क्या है, शब्दों का खेल होता है। ठीक है, वर्ड्स यानी कि प्ले ऑफ वर्ड्स, जैसे आपके वर्ड्स होंगे एडवर्टीजमेंट में उतनी ही ज्यादा कैची और उतनी ही ज्यादा अट्रैक्टिव आपके एडवर्टीजमेंट होगी। अगला जो है क्वेश्चन वो है, इन एन एडवर्टीजमेंट नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी आर डैश डिटेल्स। ठीक है, कोई भी एडवर्टीजमेंट आप देखते हो उसमें नेम एंड एड्रेस जो कंपनी का दिया होता है, क्या वो चीजें डिटेल्स जो होती हैं वो यूजलेस होती हैं, क्या वो एसेंशियल होती हैं, वो वेस्ट होती हैं या नन। तो ये चीजें एसेंशियल होती हैं, बहुत जरूरी होती हैं, कोई भी एडवर्टीजमेंट में ये सारी चीजों का होना बहुत जरूरी है ताकि आप तक लोग पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द गिवन एडवर्टीजमेंट इज रिटन बाय एन एम्प्लॉयर, यानी कि जो जॉब देते हैं। ठीक है, सिचुएशन वॉन्टेड या सिचुएशन वैकेंट, मिसिंग या नन। तो इसमें जो सिचुएशन वैकेंट, यानी कि आप कह सकते हैं ना, जब वैकेंसी निकलती है, जब जगह खाली होती है, ठीक है, तो ऐसे में जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, जो एक एम्प्लॉयर लिखता है वो सिचुएशन वैकेंट के लिखता है कि हाँ हमारी कंपनी में जो है इतनी सीट्स वैकेंट हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो कि इतनी जो है वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स आर ऑलवेज रिटन डैश, कैसे लिखी जाती हैं, इन अ ब्रैकेट या इन 10 to 12 पैराज या इनसाइड अ बॉक्स या नन। तो एडवर्टीजमेंट जो है हमेशा एक बॉक्स के अंदर लिखी जाती है। ठीक है, जैसे कि आपको बताऊं, ये इस तरीके से कुछ बॉक्स होगा और इसमें आपकी हेडिंग होगी और फिर आपको अपना डाटा लिखना होता है इसके अंदर, जो भी आप बताना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश एडवर्टीजमेंट्स आर रिटन बाय अ पर्सन लुकिंग फॉर टेनेंट्स फॉर हिज और हर प्रॉपर्टी। यानी कि वो कौन सी एडवर्टीजमेंट है जहाँ पे लोग अपने लिए किराएदार ढूंढते हैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए। सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, टू लेट या एकोमोडेशन वांटेड। तो ऐसे में टू लेट की जो एडवर्टीजमेंट होती है ये लिखी जाती है उन लोगों के द्वारा या बाय दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर टेनेंट्स फॉर देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मस्ट ऑलवेज एड डैश एट द एंड ऑफ एन एडवर्टीजमेंट। ठीक है, लास्ट में क्या बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, मतलब डालना, एड करना, थैंक्स,
या वेलकम या डियर या कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है, डालनी एट दी एडवर्टीजमेंट आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ मिसिंग पर्सन और पेट एडवर्टीजमेंट, आप सभी ने देखी होंगी कभी ना कभी न्यूज़पेपर में गुमशुदा, लापता, मिसिंग की जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, ऐसे में मेंशनिंग ऑफ डैश मस्ट बी अवॉइडेड, यानी कि वो कौन सी चीज़ें जो हमें मेंशन करने से बचना चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, फिजिकल फीचर्स या कैरेक्टर ट्रेट्स या फोन नंबर या नन। तो देखो, फोन नंबर जरूरी होता है, फिजिकल फीचर्स बताने जरूरी होते हैं ताकि अगला पहचान तो सके कि कैसा बंदा है भाई जो खोया है, और लेकिन जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं ये हमें अवॉइड करने चाहिए लिखने, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इज रिटन बाय अ पर्सन इन नीड ऑफ जॉब। अब अगर कोई जॉब ढूंढता है तो वो किस तरीके से अपनी एडवर्टीजमेंट देगा, सिचुएशन वैकेंट, टू लेट, सिचुएशन वांटेड या एकोमोडेशन वांटेड। तो ऐसे में सिचुएशन वांटेड यानी कि हमें चाहिए, हमें जॉब चाहिए, ठीक है, नीड ऑफ जॉब, ऐसे में ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, लॉस्ट एंड फाउंड, मिसिंग, टूर एंड ट्रेवल्स या इवेंट ऑन एनुअल फंक्शन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एनुअल फंक्शन वाली जो एडवर्टीजमेंट है ये क्लासिफाइड वाली नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, टॉप पे बिल्कुल क्या लिखा होता है, टाइम, डेट, डेजिग्नेशन या हेडिंग। तो सबसे टॉप पे हेडिंग लिखी जाती है हमेशा, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, कंप्लीट सेंटेंसेस, क्या एक एडवर्टीजमेंट में पूरे पूरे सेंटेंस लिखे जाते हैं, फ्रेजेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंसेस। तो एक एडवर्टीजमेंट को लिखने में फ्रेजेस का ज्यादा यूज होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट रिक्वायर्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन, ठीक है, टू लेट या सिचुएशन वॉन्टेड या मिसिंग या नन। तो ऐसे में मिसिंग जो होती है आपकी, ठीक है, मिसिंग वाली जो होती है यहाँ पे, उसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि एक ब्रीफ जो डिस्क्रिप्शन है लिखा जाए पर्सन का कि वो कैसा था जो खोया है, ठीक है। टू लेट वाले में पर्सन की कोई बात ही नहीं है, सिचुएशन वांटेड में भी बात नहीं है कोई ऐसी, लेकिन मिसिंग की जो एडवर्टीजमेंट होती है उसमें डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है। व्हाट मेक्स क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट, वेल रिटन फ्रेजेस, कैची हेडिंग्स, क्लियर डिटेल्स या ऑल दिस। तो सारी चीजें सही हैं, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं, अच्छे से फ्रेजेस हो उसमें, हेडिंग काफी कैची हो, डिटेल्स काफी क्लियर हो, तो ये सारी चीजें एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट को परफेक्ट बनाती हैं। अब मैं आपको कुछ गाइडलाइंस बता देता हूँ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की, अगर आपके एग्जाम में लिखने को आती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डोंट क्रॉस वर्ड लिमिट, ठीक है, 50 वर्ड के अंदर आपको लिख देनी है आपकी, कम से कम वर्ड में लिखनी होती है हमें एडवर्टीजमेंट, राइट इन अ बॉक्स, एक डब्बे में बंद कर देनी है आपको लिख के, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश यूज इज नॉट नेसेसरली ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है, जो आप इंग्लिश यूज करोगे कोई जरूरी नहीं कि वो ग्रामेटिकली आपकी करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे चल जाता है एडवर्टीजमेंट वाले में, चल जाता है, ग्रामेटिकली आपके नंबर नहीं कट होते। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ये बहुत जरूरी है, कम से कम वर्ड में लिखना है, जरूरी बातें ही लिखनी है, ठीक है, जुड़ी हुई उससे, सिंपल लैंग्वेज और इफेक्टिव, ठीक है, ज्यादा घुमाना फिराना नहीं है, सिंपल लैंग्वेज हो और काफी अच्छी अट्रैक्टिव सी। मस्ट मेंशन कॉन्टैक्ट नंबर एंड डिटेल्स, बहुत जरूरी है, जो भी बंदा आपके एडवर्टीजमेंट देखेगा उसको पता तो होना चाहिए ना कि मुझे आप कॉन्टैक्ट कैसे करना है, तो लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस मस्ट मेंशन, ठीक है। इसी के साथ अब मैं आपको अगर फॉर्मेट बता दूं तो हेडिंग, उसके बाद आपकी मेन बॉडी और बॉक्स जो है बॉक्स में बंद करना ना भूलें, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे फिनिश होती है, कमेंट करके जरूर बताना भाई वीडियो कैसी लगी, और आपको अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो जरूर लिखना कमेंट में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।